Hello everyone, this is Arjun, a proud Fintrammer and a faculty for Financial Accounting. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस के बारे में. ट्रायल बैलेंस क्या होता है? अब तक हमने क्या क्या देखा सारे लास्ट सेशंस में, कि हमने एक बिजनेस स्टार्ट करा था. बिजनेस स्टार्ट करने से भी पहले हमने क्या देखा कि हमें क्या करना पड़ता है. हमारी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो किसके बारे में है? हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट करनी है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस लिए क्रिएट करनी है? ताकि यूजर्स को हम दे सकें. जो हमारे यूजर्स है कंपनी के, कौन कौन से यूजर्स थे हमारे, जैसे इन्वेस्टर्स थे, एम्प्लॉयज थे, मैनेजमेंट था, और कौन था, गवर्नमेंट, कस्टमर, सप्लायर्स, ये सारे यूजर्स हैं हमारे कंपनी के. यूजर्स कंपनी के भी हैं और किसके हैं, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के. कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी किसको जरूरत होती है? इन यूजर्स को जरूरत होती है. तो हमें क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है. लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक ट्रायल बैलेंस बनाना है. तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट होती है. हमारे जितने भी अकाउंट्स होंगे पूरी कंपनी में, जितने भी अकाउंट्स होंगे उसकी एक लिस्ट होगी पूरी, और उस लिस्ट से हम क्या करेंगे, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ड्रॉ करेंगे. तो पहले हम देख लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है और उसको कैसे बनाते हैं. तो स्टार्ट करें. ट्रायल बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर, वंस ऑल द लेजर अकाउंट हैव बीन बैलेंस्ड ऑफ, द क्लोजिंग बैलेंस आर समराइज्ड ऑन अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ बैलेंस. दिस इज रेफर टू ए ट्रायल बैलेंस. अब हमने क्या करा था, जो हमने ट्रांजेक्शन थी उनको हमने क्या करा, लेजर अकाउंट में डाला. लेजर अकाउंट सबके बनाए, फिर उनके कुछ कुछ ऐसे लेजर भी थे जिनके हमें कंट्रोल अकाउंट्स बनाने पड़े. कौन से थे ऐसे? जो रिसीवेबल्स और पेबल्स, क्योंकि काफ़ी सारे रिसीवेबल्स हो सकते थे, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे कस्टमर्स हो सकते थे. तो हमने क्या करा, उन सबको समराइज करके कंट्रोल अकाउंट बना दिया. ठीक है. और कुछ ऐसे थे जिनके सिर्फ एक दो अकाउंट ही बनाने थे, जैसे हमारी नॉन करेंट एसेट्स. अब वो तो हम डेली डेली परचेज नहीं करते ना, तो नॉन करेंट एसेट्स का हमने सिर्फ एक ही लेजर बनाया. अब वो लेजर क्या करा, हमने एट द ईयर एंड उसको क्लोज कर दिया. क्लोज करने के बाद जो भी उसका अमाउंट होगा क्लोजिंग टाइम पर, वो क्या होगा, हमारे ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा. अब ट्रायल बैलेंस दिखता कैसे है वो देखते हैं. ये है प्रोफॉर्मा हमारे ट्रायल बैलेंस का. ट्रायल बैलेंस में रेवेन्यू हमारा क्रेडिट साइड पे है, परचेज हमारा डेबिट साइड पे है. ऐसी ट्रायल बैलेंस में क्या होती है, डेबिट साइड होती है और क्रेडिट साइड होती है. डेबिट साइड में क्या क्या आता है हमारा, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट साइड में आएंगे, जितने भी लॉसेज हैं वो डेबिट साइड में जाएंगे, और क्या क्या आएगा हमारी डेबिट साइड में, जो हमारी एसेट है. एसेट जैसे नॉन करेंट एसेट्स है हमारे, यहाँ पर इसका बैलेंस कहाँ पर है, डेबिट साइड में. इसी तरीके से क्रेडिट साइड में क्या आएगा, जितनी भी हमारी इनकम है, जैसे रेवेन्यू, रेवेन्यू कहाँ आ गया हमारा, क्रेडिट साइड में. और क्या हो सकता, जो इनकम है और अगर उसके साथ कोई गेन होती है तो वो कहाँ पर आएगी, हमारी क्रेडिट साइड में. और क्या आएगा हमारे क्रेडिट साइड में, अगर कोई लायबिलिटी है, लायबिलिटी जैसे हमारी लोन, शेयर कैपिटल, ये कहाँ पर है, हमारी क्रेडिट साइड में. ठीक है. अब प्रोसेस देखते हैं कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का प्रोसेस क्या होता है. हमें फाइनेंशियल, हमें अल्टीमेटली एक कंपनी में क्या बनानी है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है. लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे कैसे वो देखते हैं. सबसे पहले तो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन लेजर अकाउंट, जो भी ट्रांजैक्शन हुए हमारी कंपनी के अंदर उसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे. लेकिन रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, अपने लेजर अकाउंट में. लेजर अकाउंट मतलब जो हमारा टी अकाउंट था, टी अकाउंट था. हर चीज़ के टी अकाउंट थे अलग अलग. डेबिट साइड होती थी जिसमें एक, और एक क्रेडिट साइड होती थी. ठीक है. ये तो हमारे लेजर अकाउंट्स हो गए. लेजर अकाउंट के बाद क्या होता था, लेजर अकाउंट्स क्लोज्ड ऑफ, जब इनको हम क्लोज करते थे, जो भी बैलेंस होता था वो क्या डायगोनली आ जाता था, क्या करके, बैलेंस फॉरवर्ड हो और बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड से कैरी फॉरवर्ड हो जाता था, और वही नेक्स्ट ईयर क्या हो जाता, ब्रॉड फॉरवर्ड. ठीक है. क्लोज ऑफ करा हमने अपना बैलेंस अकाउंट, उसके बाद क्या करा, ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड. अब हमारा क्या स्टेप है कि हम एक ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब इन लेजर अकाउंट से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे. ठीक है. उसके बाद अगर कोई एडजस्टमेंट होगी तो एडजस्टमेंट्स करेंगे, और ट्रायल बैलेंस इज यूज्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इसी ट्रायल बैलेंस से हम क्या करेंगे, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे. फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे वो हम नेक्स्ट सेशंस में देखेंगे, लेकिन अभी पहले ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है वो देखते हैं. तो एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर. Let's see a question on preparation of trial balance.
We are starting a company and we just finished our first month with the following transactions. Okay, first month अपना complete हो गया है, तो इसमें देखते हैं कौन कौन सी transactions की है और transactions में क्या क्या करना है वो देखते हैं. Complete the ledger account for all the transactions. Ledger account बनाने हैं सारी transactions के, ठीक है? तो ledger account बना लेंगे. और क्या बनाना है हमें? Extract a trial balance. ए मंथ एंड पे भी हम एक ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, वो भी बना देंगे. बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ डेबिट और क्रेडिट की एंट्री करनी है और फिर उन एंट्री को कहाँ डाल देना है, हमारे लेजर अकाउंट में. तो सबसे पहले देखते हैं हमारा क्या है. इशूड शेयर्स वर्थ ऑफ 20,000 फॉर कैश. अब हमारा जब शेयर्स इशू करा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं डेबिट कैश आया होगा और क्रेडिट कैपिटल, तो इसका एक लेजर अकाउंट बना लेते हैं. लेजर अकाउंट इसके दो होंगे, एक तो होगा हमारा कैश का. कैश में क्या आ जाएगा? कैश हमारा अकाउंट डेबिट हो रहा है किससे? कैपिटल से या शेयर से. हमने शेयर इशू करे हैं तो शेयर से हमारा ये क्रेडिट हो रहा है. शेयर्स क्रेडिट हो गए, कैश अकाउंट डेबिट हो गया, डेबिट हो रहा है ये शेयर से, तो शेयर्स आ गए 20,000. शेयर्स 20,000, ठीक है. और ऐसी हमारा एक और अकाउंट बन जाएगा यहां पर. किसका अकाउंट बनेगा? वो शेयर्स का. ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, हमने इशू करे हैं 20,000 में. शेयर्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा था हमारा, किससे क्रेडिट हो रहा था? कैश से. तो कैश से क्रेडिट हुआ तो ये 20,000 हो गया, ठीक है. ये शेयर्स क्या है? हमारी एक लाइबिलिटी है, तो हमारा ये क्या होगा? क्रेडिट साइड में बैलेंस आ गया इसका. अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है. परचेज गुड्स फॉर रीसेल वर्थ 5,000 ऑन क्रेडिट. रीसेल के लिए हमने क्या करा? गुड्स परचेज करी. गुड्स परचेज करी है तो उसकी क्या एंट्री होगी? डेबिट अकाउंट परचेज. और क्रेडिट में क्या आएगा? क्रेडिट में आएगा हमारा क्या? हमने परचेज करा है, कोई कैश पे नहीं करा, क्रेडिट में लिया है, तो पेबल्स. पेबल्स आ गए हमारे. अब इनके अमाउंट क्या करेंगे? ऐसी और अकाउंट्स में डाल देंगे. सबसे पहले तो परचेज अकाउंट बनेगा हमारा. परचेज अकाउंट क्या है हमारा? पीएनएल अकाउंट है. तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया पेबल से 5,000. और ऐसी एक पीएन क्या बन जाएगा? पेबल अकाउंट. पेबल अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा? ये है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनेंशियल पोजीशन का, मतलब बैलेंस शीट का अकाउंट है ये. तो पेबल अकाउंट आ गया हमारा. परचेज क्रेडिट हो जाएगी यहाँ पर, क्रेडिट अकाउंट में आ गया 5,000, ठीक है. ये क्रेडिट साइड में हमारा 5,000 गया. अब है बॉट अ कार फॉर ऑफिस यूज फॉर 1,000. तो डेबिट क्या होगा हमारे? कार, क्योंकि डेबिट वॉट कम्स इन, तो कार आई हमारे पास. और क्रेडिट क्या होगा हमारा? कैश. कैश कितने से क्रेडिट होगा? कार से और 1,000. एक और अकाउंट बनाएंगे हम यहाँ पर लेजर. किसका? कार का. कार क्या हुई है? डेबिट हुई है. कार किससे डेबिट हुई है हमारी? कैश से. तो कैश 1,000, ठीक है. काफ़ी इजी है, कुछ भी नहीं है इनमें, छोटी छोटी एंट्री हैं. इसका बस एक ट्रायल बैलेंस बनाना है. तो लेजर कंप्लीट करते हैं पहले. उसके बाद क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर 6,000. सोल्ड गुड्स फॉर 6,000, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया हमारे पास. और क्रेडिट क्या हो गया? सेल्स, ठीक है. तो कैश डेबिट हो जाएगा किससे? सेल से. कितना? 6,000. और क्या बन जाएगा? एक सेल्स अकाउंट बना लेंगे हम. ये रहा सेल्स अकाउंट. जितनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होंगी उतने ज़्यादा लेजर अकाउंट बनाने पड़ेंगे. लेकिन हमारा कैश आ गया 6,000. एंड नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स क्या है हमारी? पेड टू सप्लायर. जो हमने सप्लायर से 5,000 में हमने क्या करा था? ये 5,000 में हमने क्रेडिट करी था, मतलब क्रेडिट पर हमने परचेज करी थी. अब क्या कर रहे हैं? 4,000 को पे कर रहे हैं. पे कर रहे हैं तो डेबिट हो जाएगा कौन? पेबल, क्योंकि इसको हमने पहले क्या कराया था? क्रेडिट. और क्रेडिट क्या हो जाएगा हमारा? कैश. कैश क्रेडिट हो रहा है तो कैश अकाउंट में आ जाते हैं. पेबल 4,000 और पेबल ये रहा हमारा. पेबल को हमने कितना कर दिया? कैश पे कर दिया 4,000, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा. पेड इलेक्ट्रिक बिल ऑफ $100. इलेक्ट्रिक बिल आया हमारा $100 का, तो इसका डेबिट और क्रेडिट. कैश पे करा $100 एंड इलेक्ट्रिक बिल.
इलेक्ट्रिक बिल, ठीक है, तो कैश में आ जाएगा हमारा क्रेडिट साइड में बिल $100, ठीक है। और एक और हम क्या करेंगे, यहाँ पर अकाउंट बना लेंगे किसका, इलेक्ट्रिक बिल का, इलेक्ट्रिक बिल है हमारा ये, पेड इलेक्ट्रिक बिल ऑफ $100, तो $100 हमने इलेक्ट्रिक बिल में डाल दिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक बिल डेबिट हो गया कैश से 100। अब क्या करना है, अब तो हमने इसकी सारी एंट्रीज बना ली, सारे लेजर्स बना लिए, अब हमारा ट्रायल बैलेंस बनाना है। लेकिन ट्रायल बैलेंस से एक पहले स्टेप क्या होता है, जो भी लेजर अकाउंट बनाए हैं उनको हमें क्या करना है, क्लोज करना है। तो एक एक करके सारे लेजर अकाउंट क्लोज करते हैं और उनका बैलेंस देखते हैं कि बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड क्रेडिट साइड में आएगा या फिर डेबिट साइड में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा अकाउंट है, लास्ट से स्टार्ट करते हैं, हमने लास्ट में एक इलेक्ट्रिक अकाउंट बनाया है। इलेक्ट्रिक बिल ये क्या है, पीएनएल में चला हो गया होगा हमारा, तो साइड में क्या करते हैं हम अपना ट्रायल बैलेंस भी बनाते रहते हैं। तो ट्रायल बैलेंस के लिए हमारा डेबिट साइड होगी और क्रेडिट साइड होगी, डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले देखते हैं कैश, कैश में 20,000 शेयर्स आए, सेल 6,000 की हुई और ये सारी ट्रांजेक्शन हमारी क्रेडिट साइड में हुई है, तो ये टोटल करके हमारा यहाँ पर तो 26,000 आ गया और यहाँ पर अभी कम है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड कितना हो जाएगा हमारा 20,900, और यही क्या हो जाएगा हमारा ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा डेबिट साइड में, क्योंकि कैश बैलेंस 20,900, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैश के बाद शेयर्स से, शेयर्स हमारे क्या है, मतलब लाइबिलिटी है, तो मतलब फाइनेंशियल पोजीशन का अकाउंट है, कैश अकाउंट है, तो ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड सेम 20,000 और यहाँ पर ये क्लोज हो गया, और बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 20,000, ये भी सीधा हमारा कहाँ जाएगा, शेयर्स क्रेडिट साइड में आ जाएंगे 20,000, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, कार हमने जो परचेज करी थी कार को भी कैश कर देते हैं, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 1,000, ये क्लोज हो गया, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 1,000 और ये ओपन हो गया नेक्स्ट ईयर में, तो कार हमारा एसेट है तो डेबिट साइड में आ गया। कार के बाद है हमारे पेबल्स, परचेज एंड पेबल्स, तो पेबल्स को हमने 4,000 तो पे कर दिए, अभी भी कितना बच गया बैलेंस, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 1,000, ये क्लोज हो गया 5,000 से, और बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 1,000, ठीक है। तो हमारा पेबल्स आ गया, यहाँ पर पेबल्स क्या है, हमारी लाइबिलिटी है, तो पेबल्स लाइबिलिटी 1,000 इस साइड आ गई क्रेडिट साइड में। और क्या है हमारा अकाउंट, पेबल्स के बाद परचेज, परचेज क्या है हमारी पीएनएल अकाउंट में जाएगी, तो पीएनएल 5,000, तो इसका भी हम क्या करेंगे, परचेज डाल देंगे, परचेज हमारे लिए क्या था, एक्सपेंस था, तो परचेज हमारे डेबिट साइड में आएगा 5,000, ठीक है। और कौन सा अकाउंट बच गया है, इलेक्ट्रिक बिल, ये भी पीएनएल में जाएगा 100 हो गया ये टोटल, बिल हमारे लिए क्या था, एक्सपेंस था, तो बिल आ गया हमारी डेबिट साइड में। और क्या रह गया हमारा, अभी तो सेल्स जो हमने करी थी, सेल्स 6,000, सो सेल्स को भी क्या करेंगे, ये भी हमारा क्या है, एक तरीके से पीएनएल अकाउंट है, तो पीएनएल में आ गया ये 6,000, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा सेल्स, लेकिन ये कहाँ पर आएगा, हमारी इनकम है, तो इस साइड क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड के बाद अब क्या करना है, हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स हो गई हैं, अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद हमारा क्या बैलेंस आ रहा है, 20,000, 21,000 एंड 27,000, ठीक है। 27,000 तो क्रेडिट साइड में हो गया, और डेबिट साइड में कितना आ रहा है, 21,000, 26,000, 27,000,
तो 27,000 डेबिट साइड में भी आ गया। हमारा ट्रायल बैलेंस क्या हो गया, मैच कर गया, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है। अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता तो हमने क्या करा होगा, हमारी कोई डेबिट एंट्रीज में या क्रेडिट एंट्रीज में या हमारे लेजर अकाउंट में कहीं ना कोई गड़बड़ हो गई होगी। तो वो अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो हमें क्या करना है, ट्रायल बैलेंस को सुधारना है। उस सुधारने के लिए क्या करेंगे, आगे देखते हैं। ठीक है, एरर्स इन ट्रायल बैलेंस, जो हमारे ट्रायल बैलेंस है उसमें एरर्स हो सकते हैं। अभी हमारा जो क्वेश्चन था इसमें तो कोई भी एरर नहीं आया क्योंकि हमने सारी ट्रांजेक्शन को क्या था, अच्छे से रिकॉर्ड करा, लेजर में समराइज करा और ट्रायल बैलेंस में एक्सट्रैक्ट लेकर आ गए। लेकिन कभी कभी जो बड़ी कंपनीज हैं उनमें थोड़े बहुत एरर्स हो जाते हैं। अब वो एरर्स किसकी वजह से होते हैं पहले वो देखते हैं, और एरर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं वो देखते हैं। एक तो एरर्स होंगे जैसे जिसमें ट्रायल बैलेंस क्या होगा, दोनों मैच हो जाएगा, जैसे 27,000 दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड में मैच हो जाएगा। लेकिन कुछ एरर्स ऐसे होंगे जिसमें बैलेंस मैच नहीं होगा, जिसमें बैलेंस मैच नहीं होगा उसमें तो सीधा पता चल जाएगा क्या है, इसमें कुछ एरर है। लेकिन अगर किसी में बैलेंस मैच हो गया तो उसका एरर का पता चलेगा ही नहीं। तो हमें क्या करना है, पहले वो तो देखने कि हमारे एरर कौन कौन से हैं और उनको हम कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है, पहले एरर्स देखते हैं हमारे कौन कौन से हैं। एरर्स वेयर ट्रायल बैलेंस स्टिल मैच, जहां पर हमारा ट्रायल बैलेंस क्या होगा, मैच कर जाएगा। तो सबसे पहला एरर कौन सा है, एरर ऑफ ओमिशन, वेयर ट्रांजेक्शंस हैज बीन ओमिटेड। अब एक क्या ट्रांजेक्शन होगी, डेबिट साइड की और एक क्रेडिट साइड की, अगर वो ट्रांजेक्शन ही ओमिट हो गई, मतलब हमने ट्रांजेक्शन को लिखा ही नहीं, तो हमारा ट्रायल बैलेंस फिर भी मैच तो कर ही जाएगा ना, क्योंकि ना तो डेबिट साइड में आया वो ना क्रेडिट साइड में आया, तो उन दोनों के वजह से ट्रायल बैलेंस तो क्या रहेगा, मैच ही रहेगा। एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ कमीशन मतलब ट्रांजेक्शंस हैज बीन रिकॉर्डेड इनटू अदर अकाउंट, अगर कोई ट्रांजेक्शंस किसी और अकाउंट में रिकॉर्ड हो गई है, सेल्स अकाउंट की हमारी ट्रांजेक्शन थी वो परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड हो गई है। ठीक है, परचेज अकाउंट में भी डेबिट क्रेडिट हुआ होगा, सेल्स अकाउंट में भी डेबिट क्रेडिट हुआ होगा, अगर सेम अमाउंट से डेबिट क्रेडिट हुआ है लेकिन किसी और अकाउंट में, तब भी हमारे ट्रायल बैलेंस का बैलेंस क्या रहेगा, मैच ही रहेगा। ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ट्रांजेक्शंस हैज कंसेप्चुअली रिकॉर्डेड इनटू रॉन्ग अकाउंट, अगर कोई ट्रांजेक्शंस रॉन्ग अकाउंट में रिकॉर्ड हो गई है, जैसे इलेक्ट्रिक बिल का ट्रांजेक्शंस था वो वाटर बिल में चला गया, तो ट्रांजेक्शन सेम ही है लेकिन ट्रायल बैलेंस है वो भी सेम ही रहेगा, लेकिन ये रॉन्ग अकाउंट है मतलब गलत ट्रांजेक्शन हुई है। ठीक है, कंपनसेटिंग एरर, टू डिफरेंट एरर्स हैव बीन मेड विच कैंसल ईच अदर आउट। अब इसमें क्या हुआ कि दो एरर्स ऐसे हुए जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस मैच हो गया, 100 का एरर हमने करा इलेक्ट्रिक बिल में और 100 का एरर कर दिया हमने किसी रेवेन्यू में। ठीक है, अब यहां पर भी हमारा एरर हो गया, यहां पर भी एरर हो गया, इसकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो गया। और कौन सा एरर हो सकता है, एरर ऑफ रॉन्ग एंट्री, टू करेक्ट डबल एंट्री हैज बीन मेड बट विद द रॉन्ग अमाउंट, अगर कोई रॉन्ग अमाउंट की वजह से एरर हो गया तब भी हमारा ट्रायल बैलेंस क्या होगा, मैच हो जाएगा, और एरर हो जाएगा इसकी वजह से हमें क्या करना है, उसमें एडजस्टमेंट करनी होगी। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, प्रोवाइड द जर्नल एंट्री टू करेक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स, ये क्या हुए हैं, कुछ एरर हो गए हैं, इनको क्या करना है, सही करना है। अब सही कैसे करेंगे, पहले ट्रांजेक्शन्स पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि एरर कहां पे हुआ है, और फिर देखेंगे कि उसको सही कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो है, अ कैश सेल ऑफ 500 वाज नॉट रिकॉर्डेड, कैश सेल हुई है 500 की, ये रिकॉर्ड ही नहीं हुई है, तो हमें क्या करना है, इसको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक एंट्री बनानी होगी डेबिट एंड क्रेडिट की, कैश सेल हुई है तो हमारे पास कैश आया होगा, और सेल्स हुई है तो सेल्स क्रेडिट हो जाएगी, 500 की सेल्स हुई है तो 500 की हमारी एंट्री हो गई। ठीक है, अब देखते हैं, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस ऑफ 200 पेड इन कैश हैज बीन डेबिटेड इनटू वाटर अकाउंट इन एरर। अब इसमें क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक एक्सपेंस था 200 का, वो क्या हो गया, वाटर अकाउंट में डेबिट हो गया, मतलब हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए थी वो देखते हैं। पहले तो डेबिट होना चाहिए था हमारा इलेक्ट्रिक बिल 200 से, और क्रेडिट होना चाहिए था कैश 200 से। हमने कर क्या दिया, हमने कर दिया
डेबिट वाटर और क्रेडिट वाटर बिल कैश कैश कितने से 200 से अमाउंट सेम रहा है लेकिन गलती हो गई अकाउंट में तो हमें इसको सही करने के लिए क्या करना है हम डेबिट तो कर देंगे अपने इलेक्ट्रिक अकाउंट को जो करना चाहिए था ओरिजिनली 200 से और क्रेडिट क्या कर देंगे वाटर अकाउंट को क्योंकि वाटर अकाउंट गलती से डेबिट हो गया है तो उसको क्या करेंगे क्रेडिट कर देंगे तो वो अकाउंट क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा ठीक है। उसके बाद क्या है अ नॉन करेंट एसेट परचेज फॉर 2000 ऑन क्रेडिट हैज बीन डेबिटेड टू द रिपेयर्स एक्सपेंस अकाउंट रादर देन एन एसेट अकाउंट। इसमें क्या हुआ हमने एक नॉन करेंट एसेट परचेज करी और टू ऑफ 2000 ऑन क्रेडिट हमने क्या करा कि हमने एक नॉन करेंट एसेट को परचेज करा है क्रेडिट पे परचेज करा है तो उसकी एंट्री कैपिटल अकाउंट में होनी चाहिए थी मतलब एसेट अकाउंट में होनी चाहिए थी हमने क्या कर दिया उसको रिपेयर्स अकाउंट में डाल दिया तो इसको क्या करेंगे इसको भी सेम कर देंगे इसको भी चेंज कर देंगे। चेंज कैसे करेंगे सबसे पहले देखते हैं कि हमें एंट्री क्या करनी चाहिए थी नॉन करेंट एसेट परचेज तो नॉन करेंट एसेट परचेज करा हमने डेबिट नॉन करेंट एसेट 2000 का क्रेडिट क्या हो गया होगा हमने कैश यहाँ पे नहीं करा तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा एक पेबल बन जाएगा 2000 ठीक है। लेकिन ये तो हमारी ओरिजिनल एंट्री होनी चाहिए थी हमने क्या करा इसको रिपेयर्स अकाउंट में डेबिट कर दिया ठीक है रिपेयर अकाउंट में डेबिट कर दिया रिपेयर्स अकाउंट डेबिट हो गया क्रेडिट क्या है पेबल ही है 2000 तो हम ये क्या करेंगे अपने नॉन करेंट एसेट अकाउंट बनाएंगे उसको डेबिट कर देंगे 2000 से और क्रेडिट क्या कर देंगे रिपेयर अकाउंट को। अब ये क्यों किया सिंपल है हमारा एक एसेट अकाउंट बनना चाहिए था ऐसा अकाउंट तो बना नहीं हमने अपना एक्सपेंस बढ़ा दिया डेबिट करके 2000 अब क्या करेंगे हम उस एक्सपेंस को तो कम कर देंगे और एसेट को बढ़ा देंगे एसेट बढ़ती है तो क्या होता है डेबिट होता है तो डेबिट अकाउंट क्या हो गया हमारा एसेट हो गया मतलब नॉन करेंट अकाउंट हो गया और क्रेडिट क्या हो गया हमारा एक्सपेंस अकाउंट क्योंकि हमने क्रेडिट जो एक्सपेंस को क्या कर दिया कम कर दिया ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है अ कैश सेल ऑफ 54 हैज बीन रिकॉर्डेड एज 45 मतलब $54 की कैश सेल हुई है और रिकॉर्ड क्या हुई है वो $45 की तो पहले देखते हैं कि ये एंट्री कैसी होनी चाहिए थी डेबिट क्रेडिट कैश सेल है कैश अकाउंट टू सेल्स 54 का आना चाहिए था और हमने क्या कर दिया डेबिट कर दिया कैश और क्रेडिट कर दिया सेल 45 से तो हमें क्या करना है जो डिफरेंस है उससे अपना कैश बढ़ा देना है और अपनी सेल बढ़ा देनी है। डिफरेंस कितना का हो गया यहाँ पर $9 का तो डेबिट कैश $9 क्रेडिट सेल $9 ये क्यों करा सिंपल सा था हमने क्या करा है कैश रिकॉर्ड करा है सेल भी रिकॉर्ड करी है लेकिन ट्रायल बैलेंस यहाँ पे हमारा मैच कर रहा होगा कैश अकाउंट हमारा क्या है एसेट अकाउंट है मतलब डेबिट साइड में 54 आ गए होंगे उसी तरीके से हमारे क्रेडिट साइड में 54 आ गए होंगे ये तो ओरिजिनली होने चाहिए थे लेकिन हमने क्या करा 45 डाला तो इसकी वजह से भी हमारा ट्रायल बैलेंस क्या होगा मैच होगा लेकिन हमें क्या करना है राइट एंट्री के लिए $9 से इसको और बढ़ा देना है ट्रायल बैलेंस तब भी बैलेंस करेगा लेकिन जो एरर है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो हमने उसको सही कर दिया ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या है अ कैश सेल ऑफ 500 हैज बीन डेबिटेड टू द सेल्स एंड क्रेडिट टू द कैश। इसमें क्या हुआ कि सेल हुई है 500 की हुई लेकिन हमने एंट्री रिवर्स कर दी रिवर्स कैसे एंट्री हो गई हमारी सेल पे क्या एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल हमने एंट्री क्या कर दी सेल अकाउंट डेबिट टू कैश तो अब इसको क्या करेंगे रिवर्स करेंगे तो रिवर्स करने पर क्या अमाउंट आएगा पहले वो देखते हैं ठीक है। पहले सबसे पहले क्या देखते हैं कौन सी एंट्री होनी चाहिए थी डेबिट कैश अकाउंट 500 और क्रेडिट सेल ठीक है 500 हमने क्या कर दिया डेबिट कर दिया सेल को 500 से और क्रेडिट कर दिया कैश को
500 से। तो हमें कैश को डेबिट करना था लेकिन वो तो किया नहीं, तो अब क्या करेंगे हम, कैश को डेबिट तो करेंगे लेकिन 1000 से, और क्रेडिट किसको करेंगे, सेल को, वो भी 1000 से। ये क्यों करा हमने, कैश को क्रेडिट कर दिया मतलब हमने कैश अपना कम कर दिया। तो पहले तो इस जो कम हुआ है कैश को, उसको इक्वल लेवल पे लाएंगे और फिर इसको इंक्रीज करेंगे, क्योंकि ओरिजिनल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, हमारा कैश 500 से इंक्रीज होना चाहिए था लेकिन वो तो 500 से लेस हो गया। तो इसको पूरी करेक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना कैश 1000 से इंक्रीज होना पड़ेगा, तभी इक्वल एंट्री आएगी। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री कोई भी नहीं है क्योंकि हम सारी एंट्रीज फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं, नेक्स्ट एरर क्या है, एरर्स वेयर ट्रायल बैलेंस डज नॉट बैलेंस। ऐसे भी एरर्स हो सकते हैं जहां पे हमारा ट्रायल बैलेंस क्या होगा, बैलेंस ही नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में 12,000 आएंगे और क्रेडिट साइड में 14,000, इस तरीके से जो 2,000 का बैलेंस है वो क्या है, मैच नहीं हो रहा। तो वो क्या, उन कौन से एरर्स हो सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो है सिंगल साइडेड एंट्री। सिंगल साइडेड एंट्री मतलब एक डेबिट एंट्री बनाई है लेकिन क्रेडिट एंट्री उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। तो सिंगल साइडेड एंट्री है तो इसमें तो बैलेंस मैच नहीं करेगा। और क्या हो सकता है, डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज हैव बीन मेड एट डिफरेंट वैल्यूज। डिफरेंट वैल्यूज मतलब डेबिट में तो आ गया होगा 500 और क्रेडिट में कर दिया हमने 400, तो डिफरेंट वैल्यू है, इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस भी क्या होगा, अनबैलेंस्ड रहेगा। ठीक है, अनइक्वल रहेगा। टू डेबिट एंड टू क्रेडिट हैव बीन पोस्टेड, जहां पर दो डेबिट कर दिया हमने और दो बार क्रेडिट कर दिया, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। एंड इनकरेक्ट एडिशन इन एनी इंडिविजुअल अकाउंट, हमने किसी इंडिविजुअल अकाउंट में सिर्फ एक ही, या तो डेबिट साइड में या फिर क्रेडिट साइड में एंट्री गलत कर दी, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। ओपनिंग बैलेंस हैज नॉट बीन ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस हमने जो हमारा ट्रायल बैलेंस का था या फिर लेजर अकाउंट में था, एक अकाउंट में हमने ओपनिंग बैलेंस तो लिया नहीं, जो भी उसकी एंट्रीज थी उसको पास करना शुरू कर दिया, तो उसके वजह से भी क्या होगा, हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो अनमैच्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। हमने एरर्स के बारे में देख लिया कि हम जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस में एरर्स हो सकते हैं वो किस वजह से हो सकते हैं वो भी देख लिए। अब अगर कोई एरर होता है तो एरर को सही कैसे करते हैं, या तो अगर हमें पता है कि एरर कहाँ हुआ है तो हम तो उसको हाथ के हाथ सही कर सकते हैं, लेकिन कंपनी में 1,00,000 ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, अगर कोई एक एरर पकड़ में आ गया कि हमें पता है कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा, तो क्या हम सारी 1,00,000 ट्रांजेक्शन्स को एक साथ देखें और जब तक चेक करें, लेकिन उसमें लगेगा क्या, टाइम लगेगा। लेकिन हमें ट्रायल बैलेंस को क्या करना है, मैच करना है, तो ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सस्पेंस अकाउंट बना देंगे। अगर हमारे क्रेडिट साइड में 14,000 आ रहा है और डेबिट साइड में 12,000 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे और डेबिट साइड में 2,000 ऐड कर देंगे, ताकि हमारा ट्रायल बैलेंस फॉर द टाइम बीइंग मैच हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, सारी ट्रांजेक्शन को सर्च करेंगे और देखेंगे कि गड़बड़ कहां पर हो रही है। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग हम ट्रायल बैलेंस को क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। ठीक है, तो एक बार सस्पेंस अकाउंट को पढ़ते हैं और उसके बाद इस पर क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अ सस्पेंस अकाउंट इज अ जर्नल लेजर अकाउंट इन विच अमाउंट्स आर टेम्पररीली रिकॉर्डेड। द सस्पेंस अकाउंट इज यूज्ड बिकॉज द एप्रोप्रिएट जर्नल लेजर अकाउंट कुड नॉट बी डिटरमाइंड एट द टाइम दैट द ट्रांजेक्शंस वर रिकॉर्डेड। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट इसलिए बनाते हैं क्योंकि अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो उस टाइम पर ट्रायल बैलेंस को हमें मैच करना होता है, तो उसकी वजह से हम सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। और उसके बाद जब ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस सस्पेंस अकाउंट को हटाएंगे। हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस ट्रायल बैलेंस को जो सस्पेंस अकाउंट हमने क्रिएट करा है उसको डेबिट या क्रेडिट करेंगे। उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल जो एंट्री होनी चाहिए थी जहां पर हमारी गड़बड़ एंट्री में, उसको सर्च करेंगे, एक करके सर्च करने के बाद देखेंगे कि गड़बड़ कहां पर हुई है, उसको फिर सही करेंगे और सस्पेंस अकाउंट हमारा हट जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन से सस्पेंस अकाउंट के रिलेटेड जितनी भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ऑन एक्सट्रैक्टिंग ए ट्रायल बैलेंस द अकाउंटेंट ऑफ बोस डिस्कवर्ड अ सस्पेंस अकाउंट विद अ डेबिट बैलेंस ऑफ 1100। डेबिट बैलेंस सस्पेंस अकाउंट में मतलब हमारे डेबिट साइड में कहीं ना कहीं गड़बड़ आ रही होगी। ठीक है, सी ऑल्सो फाउंड दैट डेबिट्स एक्सीड द क्रेडिट्स बाय 900। जो हमारे ट्रायल बैलेंस का डेबिट है
वो एक्सीड हो रहा है, मतलब डेबिट साइड एक्सीड हो रही है 900 से, ठीक है। सी पोस्टेड दिस डिफरेंस टू द सस्पेंस अकाउंट एंड देन इन्वेस्टिगेटेड द सिचुएशन। उसने क्या करा, अपना अकाउंट बना लिया सस्पेंस अकाउंट करके ट्रायल बैलेंस को, तो अभी फॉर द टाइमिंग उसने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, लेकिन उसमें उसने सारी ट्रांजेक्शन देखी और ये ट्रांजेक्शन जो हमें दी है, इन ट्रांजेक्शन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है और हमें क्या करना है, इसका आंसर देखना है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट जर्नल आर रिक्वायर्ड टू करेक्ट द एरर्स एंड एलिमिनेट द सस्पेंस अकाउंट। हमें एक सस्पेंस अकाउंट बनाना है और जर्नल एंट्रीज देखनी है कि कौन सी जर्नल एंट्री से वो सस्पेंस अकाउंट का जो अमाउंट है वो बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। तो देखें कैसे करते हैं इसको। सबसे पहली एंट्री हमारी, अ डेबिट बैलेंस ऑफ 85 ऑन द इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट हैज बीन इनकरेक्टली एक्सट्रैक्टेड ऑन द लिस्ट ऑफ बैलेंसेज एट 850 डेबिट। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आया था, इलेक्ट्रिसिटी बिल में हमें $85 लिखे हुए थे लेजर में, हम जब उसको ट्रायल बैलेंस में लेकर आए तो हमने क्या कर दिया, 850 लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे, कैसे रिवर्स करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए थी। हमारी एंट्री होनी चाहिए थी डेबिट इलेक्ट्रिसिटी क्रेडिट कैश, ठीक है, 85 से। हमने क्या गड़बड़ कर दी, हमने गड़बड़ कर दी है इलेक्ट्रिसिटी को तो 850 कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी को 850 और कैश, कैश क्या है हमारा 85 ही है। तो अभी इसमें जो डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को क्या करेंगे, फॉर द टाइम बिंग हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट में गड़बड़ हो रही है तो सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे इस अकाउंट को, क्रेडिट कर देंगे हम सस्पेंस अकाउंट, जो भी बैलेंस रिमेनिंग होगा सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे, ताकि हम जब सस्पेंस अकाउंट का लेजर बनाए उसमें डाल दें और अपने सस्पेंस अकाउंट को एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट करेंगे कैसे, राइट एंट्री करके। राइट एंट्री कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट में हमने कितना डाल दिया, बैलेंस, बैलेंस कितना ही है 765। अब इसकी राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, राइट एंट्री होगी हमारा जो सस्पेंस अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट और क्रेडिट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी। सस्पेंस अकाउंट कितने से डेबिट होगा, 765। मतलब समझ में आया, इसका मतलब ये था कि जब हम ने एंट्री पोस्ट करी वो एंट्री गलत कर दी, इलेक्ट्रिसिटी 85 का बिल था 850 कर दिया, तो हमने उस टाइम तक तो जब हम ट्रायल बैलेंस देख रहे थे उस टाइम तो हमने सस्पेंस अकाउंट बना दिया होगा, सस्पेंस अकाउंट में हमने कितना अमाउंट डाल दिया 765। अब हमें पता चल गया कि यहाँ पर गड़बड़ हुई है तो हम इस क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे ताकि ये सस्पेंस अकाउंट बंद हो जाए और इलेक्ट्रिसिटी में जहाँ पर गड़बड़ हुई है उसको भी कम कर देंगे। तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी डेबिट हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बैलेंस 850 हो गया, एक्सपेंस ज्यादा हो गया, इस एक्सपेंस को हम कम कर देंगे कितने अमाउंट से, जो रिमेनिंग अमाउंट है, तो 765 से हमने उसको कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, एक साइड में बना लेते हैं अपना सस्पेंस अकाउंट का लेजर, सस्पेंस अकाउंट का लेजर बना लेते हैं और इसमें सारी एंट्री पोस्ट करते रहेंगे। तो सस्पेंस अकाउंट का लेजर बनाया हमारा, सस्पेंस अकाउंट, हमारे सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड है कितने का वो देख लेते हैं, 1100 का बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड है और एक्सीड कर रहा है 900, तो वो भी देखते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड 1100 और ट्रायल बैलेंस डिफरेंस 900, ठीक है, क्योंकि हमारी डेबिट साइड एक्सीड कर रही है किससे, क्रेडिट साइड से, तो हमने ट्रायल बैलेंस डिफरेंस डाल दिया। अब हमारे पास पहले क्या आया है, हमारा सस्पेंस अकाउंट, ये क्या कर रहा है, डेबिट कर रहा है, यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर रहा है, तो हम सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे किससे, इलेक्ट्रिसिटी, कितने से, 765, ठीक है। फर्स्ट एंट्री हमारी अच्छे से पोस्ट हो गई, अब देखते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या है, ऐसी कर करके सारी एंट्रीज करते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी, अ पेमेंट ऑफ 525 टू क्रेडिट सप्लायर जे हैड बीन करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन द पेबल्स कंट्रोल अकाउंट। इसका क्या मतलब है
कि हमें क्या करनी थी, एक पेमेंट करनी थी सप्लायर को, जे को 525 की, उसको तो हमने कैश बुक में करेक्टली कर दिया, लेकिन हमारे पेबल्स कंट्रोल अकाउंट में कोई भी एंट्री नहीं करी है। पेबल्स अकाउंट में कोई एंट्री नहीं करी, तो पहले देखते हैं हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए थी। करेक्टली करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी हमारी, पेबल्स हमारे डेबिट हो जाते, क्योंकि पेबल्स हमारे क्या है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्रेडिट क्या करेंगे, कैश को, तो कितने से करेंगे, 525 से, 525 से हमने क्या कर दिया, इसको डेबिट क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब हमने गड़बड़ क्या कर दी, हमने इसको कैश तो सही कर दिया, कैश में तो इसको पुट कर दिया 525 में, लेकिन हमने इसको पेबल्स के कंट्रोल अकाउंट में नहीं डाला। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट बना दिया होगा हमने इसमें, सस्पेंस अकाउंट 525। अब हम ये सस्पेंस अकाउंट बना क्यों रहे हैं, सबसे पहले तो समझ लेते हैं, हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस आया था। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में हमारी कुछ गड़बड़ हो रही थी, तो हमने उस गड़बड़ के उस टाइम बीइंग के लिए हमने एक सस्पेंस अकाउंट बनाया। सस्पेंस अकाउंट में काफ़ी सारी एंट्रीज होंगी, सस्पेंस अकाउंट जितनी भी एंट्रीज में गलती हुई है, उस एंट्री में कुछ डेबिट एंट्री होंगी, कुछ क्रेडिट एंट्री होंगी, उस नेट अमाउंट को हमने क्या कर दिया, सस्पेंस अकाउंट डेबिट अकाउंट में, डेबिट साइड में हमने 1100 डाल दिया। अब इस 1100 में जितनी भी हमें ट्रांजेक्शन दी हैं, उस ट्रांजेक्शन की गलतियाँ दी गई हैं। तो पहले तो हमारा जो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट करा था 765 से, एक वो गलती थी। अब यहाँ पर हमने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया 525 से, तो ये गलती है। अब इसको भी सही कर देंगे, कैसे सही करेंगे वो देखते हैं। अभी हमने डेबिट कराए सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट को तो क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, क्रेडिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, और डेबिट क्या हो जाएगा हमारे लिए, पेबल्स, क्योंकि हमने पेबल्स को अभी तक क्या करा है, डेबिट नहीं करा, मतलब उसको कम नहीं किया, तो 525 यहां पर आ जाएगा। हमारा सस्पेंस अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया पेबल से, पेबल्स 525। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है, व्हेन अ मोटर व्हीकल हैड बीन परचेज ड्यूरिंग द ईयर द बुक कीपर डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद द डेबिट एंट्री सो ही मेड द एंट्री डेबिट सस्पेंस क्रेडिट बैंक। उसने क्या करा, एक मोटर व्हीकल परचेज करी, मतलब एक कार परचेज करी है, कार परचेज करने पर उसको एंट्री नहीं पता था कि कार परचेज की एंट्री क्या होनी चाहिए थी, तो उसने क्या करा, डेबिट सस्पेंस अकाउंट कर दिया और क्रेडिट कर दिया कैश। उसको कैश की एंट्री पता थी लेकिन कार की एंट्री नहीं पता थी, तो हम उसको क्या करेंगे, इसको सही कर देते हैं इसकी गलती को। हमारी एक्चुअल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, हमारी एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए थी डेबिट, डेबिट कितना होना चाहिए था, कार, कार डेबिट हो जाता, क्रेडिट हमारा कैश हो जाता, कितने से हो जाता, 1250। ठीक है, गड़बड़ उसने क्या करी है, डेबिट सस्पेंस और क्रेडिट कैश। ठीक है, तो 1250, हम क्या करेंगे, इस जो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करा है इसको तो कर देंगे हम क्रेडिट, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो गया, हम तो इसकी गलती सुधार रहे हैं ना, तो हमने तो क्या कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया, डेबिट कर देंगे हम कार को जो ओरिजिनली होना चाहिए था। ठीक है, तो अब जो हमारा ये क्रेडिट हो रहा है सस्पेंस अकाउंट कार से 1250। ठीक है, हमारी ये एंट्री भी हो गई। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री, अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 55 इन द सन्ड्री इनकम अकाउंट हैज बीन इनकरेक्टली एक्सट्रैक्टेड ऑन द लिस्ट ऑफ बैलेंसेज एज डेबिट बैलेंस। इसमें क्या हुआ कि हमारी एक इनकम थी जो डेबिट बैलेंस था, हमने जब लिस्ट में लेकर आए, मतलब ट्रायल बैलेंस में लेकर आए, तो उसको कर दिया क्रेडिट साइड में, तो इसको सही कर देते हैं। 55 का बैलेंस था, मतलब इनकम थी, हमारी इनकम कहाँ पे जाती है ट्रायल बैलेंस में, क्रेडिट साइड में जाती है, इसने कहाँ लिख दिया, डेबिट साइड में लिख दिया, तो हम इसको सही कर देते हैं। डेबिट ओरिजिनल एंट्री क्या थी, ओरिजिनल एंट्री थी डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट 55 और क्रेडिट क्या होता, इनकम, कौन सी इनकम है ये, सन्ड्री इनकम, तो 55। इसने गड़बड़ क्या कर दी,
इसको इनकम को कर दिया डेबिट और क्रेडिट किसको कर दिया कैश को, मतलब इसने तो कैश हमारा उड़ा दिया, कैश उड़ा दिया 55 से 55। तो अब हम क्या करेंगे, अपना सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, सस्पेंस अकाउंट इसको सही कर देंगे। इसमें भी क्या गड़बड़ हुई है, इसमें भी यही हुआ है जो हमारे लास्ट क्वेश्चन में हुआ था कि हमारा बैंक जो इनकम है वो बढ़नी चाहिए थी, उसकी जगह कम हो गई, 55 से कम हो गई, लेकिन 55 से बढ़नी चाहिए थी। तो अब जो ये डिफरेंस है, हम पहले तो क्या करेंगे, जो 55 से कम हुआ है इसको ऊपर करेंगे, पहले तो 55 से ऊपर करा, अब इसको 55 को और ऊपर करेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। 110 की एंट्री करेंगे तो हमारा डेबिट होगा सस्पेंस अकाउंट, डेबिट होगा हमारा सस्पेंस अकाउंट, क्रेडिट होगा हमारा इनकम, ठीक है 110 से। तो हमारा यहां पर सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो गया इनकम से 110, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एंट्री क्या है, रिसिप्ट ऑफ $10 फ्रॉम अ क्रेडिट कस्टमर लो हैड बीन करेक्टली पोस्टेड टू हिज अकाउंट बट हैड बीन एंटर्ड इन द कैश बुक एज $100। उसके अकाउंट में तो $10 सही गए हैं लेकिन कैश बुक में हमने क्या कर दिया, उसको $10 को $100 कर दिया। तो सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी वो देखते हैं, डेबिट क्रेडिट, सही एंट्री क्या होती है हमारी, कैश अकाउंट आता $10, कैश अकाउंट आता $10 और किससे आता ये रिसीवेबल से, तो ट्रेड रिसीवेबल से $10 आते। अब हमने गड़बड़ क्या कर दी, डेबिट कर दिया कैश किससे $100 से, क्रेडिट कर दिया किसको रिसीवेबल को, ट्रेड रिसीवेबल $10। तो अब जो बैलेंस अमाउंट है कहाँ चला जाएगा, सस्पेंस में 90। तो इस क्रेडिट सस्पेंस को हम क्या कर देंगे, डेबिट सस्पेंस 90, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो गया 90 से, और क्या क्रेडिट हो जाएगा हमारा कैश, कैश को क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ये $90 से ज्यादा हो गया कैश हमारा, तो हम कैश को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। कैश हमारा क्या है, एसेट है, एसेट कम होती है तो क्या होता है, क्रेडिट हो जाती है। तो हमारा सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो गया किससे, कैश से 90, ठीक है। अब देखते हैं और क्या एंट्री हमारी, एक और हमारी एक एंट्री है, द बुक कीपर वॉज नॉट एबल टू डील विद द रिसिप्ट ऑफ 700 विद द फ्रॉम द ओनर्स ओन बैंक अकाउंट, सो ही मेड अ एंट्री डेबिट बैंक एंड क्रेडिट सस्पेंस। बुक कीपर को पता नहीं था कि ओनर ने जो 700 लेकर आया है उसकी एंट्री क्या करनी थी। जब ओनर बैंक बैलेंस डालता है तो क्या होता है, हमारा बैंक या कैश बढ़ जाता है कितने से, जो भी अमाउंट दे रखा है। क्रेडिट क्या होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था कैपिटल, तो उसने कैपिटल को क्रेडिट नहीं करा, उसने क्या कर दिया सस्पेंस अकाउंट ले आया। तो सस्पेंस अकाउंट में उसने क्या करा, डेबिट बैंक और क्रेडिट सस्पेंस 700। हम क्या करेंगे, इस सस्पेंस को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट किसको करेंगे, कैपिटल को, जो ओरिजिनली होनी चाहिए थी। कैपिटल को क्रेडिट कर दिया कितने 700 से, तो हमारे सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो गया किससे, कैपिटल से 700, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी, नेक्स्ट एंट्री है, नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर चेक ऑफ 150 रिसीव्ड फ्रॉम ए क्रेडिट कस्टमर में, कोई एंट्री नहीं करी इसकी, कोई एंट्री नहीं करी है, तो ये तो क्या है, एरर ऑफ ओमिशन का है, एरर ऑफ ओमिशन है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले एंट्री हमारी क्या होनी चाहिए थी, डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू मे, मतलब ट्रेड रिसीवेबल, तो 150, इसमें कोई एंट्री नहीं हुई है तो हमारी यहाँ पर कोई एंट्री नहीं आएगी। ओरिजिनल एंट्री हमारी क्या होनी चाहिए थी, डेबिट बैंक क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल 150। तो इसमें तो कोई सस्पेंस अकाउंट बना ही नहीं है, सस्पेंस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एंट्री नहीं हुई है। सस्पेंस अकाउंट तो कहाँ बनाते हैं, जब कोई गलती हो जाती है तो उस गलती को सुधारने के लिए, यहाँ पे तो कोई गलती नहीं हुई है तो सस्पेंस अकाउंट भी नहीं बनेगा। तो हमारा सस्पेंस अकाउंट क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है।
अब इसको क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे, और जब टोटल करेंगे तो ये क्या होगा, हमारा मैच होगा, क्योंकि हमारी जो गड़बड़ है वो सही हो गई है। तो एक बार देखते हैं इसका टोटल क्या आता है। सबसे पहले तो हमारा बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड था 1100। अब ये क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे, टोटल में देखते हैं टोटल हमारा कितना आता है। 1100 हमारा बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड था, इसके बाद हमने इलेक्ट्रिसिटी आया 1100 प्लस 765 प्लस 110 प्लस 90 एंड प्लस 700, तो ये तो हमारा हो गया 2765, ठीक है। और हमारे यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 900 माइनस 525 माइनस 1250, तो अभी भी 90 का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। 90 का डिफरेंस आ रहा है मतलब अभी भी कहीं ना कहीं गड़बड़ कितनी है, $90 की अभी भी कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो इस गड़बड़ को और देखना है, इससे हमारा ट्रायल बैलेंस क्या होगा, पूरा मैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 2765। अभी भी यहाँ पर गड़बड़ कितने की है, $90 की है, तो $90 की गड़बड़ को देखेंगे और हमारा ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, पूरा मैच हो जाएगा, उसमें से सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं एडजस्टमेंट टू प्रॉफिट। सस्पेंस अकाउंट बनते हैं, कोई एरर्स होते हैं उसकी वजह से हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में भी डिफरेंस आ जाता है। अगर कोई एरर हुआ है तो उससे भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में फर्क पड़ता है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन फर्क पड़ता है। तो एक बार इसको रीड करते हैं। द करेक्शनल जर्नल एंट्री मे रिजल्ट इन अ चेंज इन प्रॉफिट डिपेंडिंग ऑन वेदर द जर्नल एंट्री डेबिट्स और क्रेडिट द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर कोई एंट्री फाइनेंशियल पोजिशन में हो गई है, मतलब कैश आना था ट्रेड रिसीवेबल से, तो हमारा ट्रेड रिसीवेबल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कैश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में तो हमारा कोई डिफरेंस आया नहीं, तो प्रॉफिट एंड पे कोई इम्पैक्ट भी नहीं होगा। अगर कोई एंट्री सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में हुई है, मतलब एक्सपेंस अकाउंट होना था वाटर अकाउंट हो गया, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में हो रहा है, ये तो एक तो एक्सपेंस अमाउंट भी हमारा क्या, एक्सपेंस अकाउंट मतलब हमारा इलेक्ट्रिक अकाउंट क्या है, एक्सपेंस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, वो उसकी गड़बड़ कहाँ पर वाटर अकाउंट में हो गई, मतलब वाटर बिल में हो गई, वो भी हमारा कहाँ जाना था, प्रॉफिट एंड लॉस में जाना था, उससे प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी फर्क पड़ा नहीं है, तो उस पर भी प्रॉफिट एंड लॉस में कोई इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई एंट्री ऐसी है जो प्रॉफिट एंड लॉस और हमारे फाइनेंशियल पोजीशन से मैच कर रही है, मतलब एक इफेक्ट उसका प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है, एक इफेक्ट हमारा फाइनेंशियल पोजीशन में जा रहा है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सेम एक इफेक्ट हमारा कहाँ जा रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन में जा रहा है, और एक इफेक्ट हमारा पीएनएल में जा रहा है, तो हम इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं इसको भी, यहाँ पर तो कोई इंपैक्ट नहीं होगा अगर सेम अकाउंट में एंट्री होती है, सेम स्टेटमेंट में एंट्री होती है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाता है हमारा, तो प्रॉफिट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो जाता है, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस मतलब प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। एक बार एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, द फॉलोइंग करेक्शनल जर्नल हैव बीन पोस्टेड बाय जेरी। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट उसने क्या करा, क्रेडिट कर दिया। सस्पेंस अकाउंट किससे करा होगा, 5000 से, ठीक है। सेकंड एंट्री उसने क्या करी, पोस्ट पेबल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ऐसी पांच एंट्री उसने पोस्ट करी है। हमें क्या दिया है, जेरीज ड्राफ्ट प्रॉफिट फिगर प्रायर टू पोस्टिंग ऑफ दीज जर्नल इज 2,25,000, व्हाट इज द रिवाइज्ड प्रॉफिट फिगर। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट अमाउंट दिया है, प्रॉफिट अमाउंट करने के बाद ये क्या हुई है, ये पांचों एंट्रीज हुई हैं, पांचों एंट्रीज की एडजस्टमेंट देखनी है कि कौन सी एडजस्टमेंट्स होंगी और प्रॉफिट रिवाइज्ड प्रॉफिट क्या आएगा। तो एडजस्टमेंट देखते हैं, एडजस्टमेंट्स क्या क्या होगी। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक प्रॉफिट अकाउंट बना लेते हैं। प्रॉफिट हमारा कितना है, 2,25,000। अब इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट कहीं इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, उसके बारे में देखते हैं। इंक्रीज होगा तो यहां लिख देंगे, डिक्रीज होगा तो यहां, ठीक है। सबसे पहला तो है हमारा रेंट, रेंट है 5000 से क्रेडिट हो गया, और रेंट में मतलब हमारा क्या गया होगा, रेंट हमारा क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या आ रहा होगा, कैश आ रहा होगा, तो कैश क्या है हमारा,
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन का अकाउंट, और रेंट क्या है हमारा पीएनएल का अकाउंट। तो हमारा इंपैक्ट होगा 5000 से हमारा क्या होगा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, रेंट 5000, ठीक है। नेक्स्ट है पेबल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। पेबल्स अकाउंट है हमारा फाइनेंशियल पोजिशन में जाता है, सस्पेंस अकाउंट मतलब पेबल्स को क्या होगा हमने कैश पे कर दिया तो कैश क्या होगा फाइनेंशियल पोजीशन में से कैश डिक्रीज हो जाएगा और पेबल्स क्या होंगे वो भी कम हो जाएंगे। तो फाइनेंशियल पोजीशन में इसका डिफरेंस आ रहा है टोटल, तो इसमें प्रॉफिट से रिलेटेड कुछ नहीं है, तो इसमें क्या होगा पेबल्स में क्या होगी कोई भी एंट्री नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लोन इंटरेस्ट 2000। लोन इंटरेस्ट पे करा किस पर, हमारे लोन पर, मतलब हमारा लोन इंक्रीज हो रहा है, लोन इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट है, लोन अकाउंट हमारा क्या है फाइनेंशियल पोजीशन में, तो इससे हमारा क्या होगा पीएनएल कम हो जाएगा। लोन इंटरेस्ट 2000 से हमारा क्या होगा पीएनएल कम हो जाएगा, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री इनकम, जो हमारी सन्ड्री इनकम है इससे क्या होगा हमारी इनकम पीएनएल में जाएगी, रेवेन्यू है, और ये कहां पर जाएगी हमारी कैश में जाएगी, क्योंकि डेबिट क्या हो रहा होगा कैश हो रहा होगा, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री इनकम, सन्ड्री इनकम पीएनएल में चले गई और कैश आ गया हमारे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। तो अब क्या करेंगे इसको, इसको हम पीएनएल में डाल देंगे, 750 से अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर देंगे, इनकम 750, ठीक है। और एक और देखते हैं सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहां पर गड़बड़ है, इसमें कैश हमारा क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, कैश कम हो रहा है, कैश किसको दिया होगा हमने पेबल्स को दे सकते हैं, वो भी अगर हमारा पेबल्स को दिया है तो हमारा क्या होगा हमारे पीएनएल में ही, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन में भी रहेगा, तो पीएनएल में कोई इफेक्ट इसका नहीं आएगा, पीएनएल में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो उसका क्या करेंगे जीरो रहने देंगे, ठीक है। सस्पेंस या जीरो, ठीक है। अब हमें इंक्रीज करना है 2,50,000 को 5,000 से इंक्रीज करना है, 750 से इंक्रीज करना है, और डिक्रीज किससे करना है 2,000 से, तो जो भी हमारा अमाउंट निकल के आएगा वही हमारा एक ऑप्शन होगा। तो ये टोटल करके कितना आ रहा है हमारा वो देखते हैं, ये हमारा रिवाइज बैलेंस आएगा यहाँ पर 228,750, ठीक है, 228,750। हमारे पास कोई ऑप्शन है ऐसा, हाँ हमारा सी ऑप्शन क्या है 228,750 है। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसमें क्या था हमारी एंट्रीज दी थी, एक प्रॉफिट दिया था, एडजस्टमेंट करनी थी उस प्रॉफिट में, उसको हम कर चुके हैं, ठीक है। इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने ट्रायल बैलेंस देखा, ट्रायल बैलेंस में क्या था हमारा ट्रायल बैलेंस था जिसमें सारे लेजर्स अकाउंट थे, लेजर्स अकाउंट के हमारे क्या हो रहे थे क्लोज हो रहे थे। हमें क्या करना है अल्टीमेटली एक फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, ताकि वो फाइनेंशियल पोजीशन कौन यूज़ कर सके हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, जो भी हैं जो कंपनी से रिलेट करते हैं, उनको क्या चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, ताकि उनको पता चले कि कंपनी में क्या चल रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए था, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, ट्रांजेक्शन को हमने अकाउंट में डाला, लेजर अकाउंट क्लोज करे, लेजर अकाउंट से हमने ट्रायल बैलेंस में लेकर आए, अब ट्रायल बैलेंस हम क्या करेंगे फाइनेंशियल पोजीशन बना लेंगे। लेकिन ट्रायल बैलेंस में जो एडजस्टमेंट करनी थी पहले वो कंप्लीट करी, वो हमने समझ लिया कि इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स होती हैं, कौन कौन से एरर्स होते हैं और उन एरर्स को कैसे ठीक करना है, अच्छे से देख लिया। इसके साथ हमारा ये सेशन भी पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अच्छे से उसको रीड करना है, ताकि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन पूरी हो जाए। विद दिस आई एम हर्जन साइनिंग ऑफ नाउ।